उनको केंद्रित किया हुआ है, रखा हुआ है। दूसरा कैच पकड़ा इंद्रशीष ने और फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड पे जहां पे गेलन है और देखते हैं उनके साथ कौन है। मेरे साथ है फ्रॉम द बंगाल टाइगर्स वी हैव राहुल राइट हियर। राहुल, अबाउट 30 बॉल 66 रन्स टू मेक, क्या लगता है भोजपुरी दबंग्स कर पाएंगे? मैं तो चाहूंगा नहीं कि वो कर पाए, पर खेल जिस तरह से चल रहा है अभी तो एज यू कैन सी आई एम रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ एंड द वे द गेम इज प्रोग्रेसिंग आई डोंट थिंक आई विल नीड नेल कटर फॉर नेक्स्ट वन मंथ। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया है, बहुत ही डिफिकल्ट है चेस करने के लिए, लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट राइट नाउ लग रहा है कि कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? डू यू थिंक कि कोई चांस है? नो, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट, आई एक्चुअली इट्स अ विशफुल थिंकिंग दैट एट लास्ट वी कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ होप ऑफ विनिंग अ मैच। वी हैव ट्राइड रियली हार्ड दिस सीजन बट द रिजल्ट्स वर अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑन आवर साइड। But you can only decide your effort, cannot decide your result, right? So this time, I think the little luck of triumph should be with us. Next season के लिए क्या लगता है? आप खिलाड़ी हैं अपनी टीम में, आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में क्या हुआ इस साल जो that didn't work? I do think the luck didn't work, or otherwise the team was perfect. Our captain, our support staff was prolific, but at times होता है ना कि आप सब कुछ सही करते हो लेकिन result आपके हाथ में नहीं रहता है, तो I think the result was not with us, but the team was prolific. Bengal Tigers के लिए अगले साल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे to all the people out there who are the Bengal Tigers fans? It is easier to support your team when your team is winning. आप कैसे सपोर्टर हो वो तब पता चलता है जब टीम लॉस करता है, तभी अब अगर आप सपोर्ट कर सको तो। सो बंगाल प्लीज सपोर्ट अस। ऑन दैट नोट, बंगाल कीप सपोर्टिंग द बंगाल टाइगर्स। थैंक यू सो वेरी मच राहुल फॉर जॉइनिंग अस, इट्स बैक टू यू गाइस। शुक्रिया। जी हाँ, प्रयास पूरा किया बंगाल टाइगर्स की टीम ने, पर अभी भी अगर आप देखें भोजपुरी दबंग्स की टीम प्रयास करती हुई उस लक्ष्य का पीछा कर रही है। 56 रन चाहिए अब 26 गेंदों पे, आसान नहीं। अब 6 विकेट शेष है, रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 13 के करीब आता हुआ, पर अच्छी चीज है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। एक्स्ट्राज बढ़ते हुए 16 पे और एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुकी है अंजुम चोपड़ा, स्वागत है आपका। शुक्रिया अजय। 16वां ओवर चल रहा है और अभी भी दोनों ही टीमें तो जहद में लगी हुई हैं, अभी भी मैच हल्का सा बैलेंस में है। तोतियो लंबा छक्का होना चाहिए ये। जी हाँ, क्या करारा साउंड आया था बल्ले से, मिडल ऑफ द बैट, एलिवेशन बहुत मिल गया, डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं लेकिन इतना काफी है कि 6 रन मिल जाए बल्लेबाज को। ऐसे ही 2-3 लंबी हिटें लग गई तो मैच का जो रोमांच है वापस आ जाएगा। समय जरूर लग रहा है कि बंगाल टाइगर्स आसानी से जीत प्राप्त कर लेगी, लेकिन जब तक T20 का मुकाबला खत्म ना हो जाए तब तक आप किसी भी टीम को बाहर ना समझे। और अजॉय ऐसे गाड़ी थे जिनके ऊपर काफी उम्मीद थी, पर उनके आउट होने के बाद ओझा ने जो इनिंग्स को संभाला है और जिस प्रकार गति प्रदान की है कि सराहना करनी चाहिए। ऐसे खिलाड़ी जो कभी भी हार नहीं मानते, ओझा 48 से पहुंच चुके हैं, फिर से उठा के खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन और मिलते हुए, महंगा ओवर, 18 रन गए हैं बल्कि 24 रन जाते हुए इस ओवर से, 142 पे 4। Thank you.
ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। और आदित्य आहूजा पिछली ही गेंद लंबे छक्के के साथ अपना अर्धशतक कंप्लीट करते हुए 54 रन और 3 चौके और 4 लंबे छक्कों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और होप्स भोजपुरी दबंग के आदित्य आहूजा के साथ लगे हुए 24 रन का ओवर पिछला था, क्या वही रुख अपना सकते हैं, क्या सिन्हा उनका और साथ दे पाएंगे यहां पर। हल्का सा सिंगल लेके ही उनको स्ट्राइक दे दें वो भी काफी रहेगा, लेकिन मैच में रोमांच वापस आता हुआ। सबसे बड़ी बात है इस मुकाबले में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, ये नहीं पता अभी कौन सी टीम जीतेगी, और यही रोमांच है, यही रुचि है T20 मुकाबले की, यही मजा है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल के मुकाबलों का। इस गेंदे शेष 42 रन चाहिए ना, अभी भी आए हैं उनको स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, जितनी स्ट्राइक ओझा को मिलेगी जिस फॉर्म में वो है उतना बेहतर रहेगा। फिलहाल सिन्हा वापस आते हुए दूसरे रन के लिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे रिप्लाई दी है भोजपुरी दबंग की टीम ने, गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे, हालांकि अभी भी बैलेंस बंगाल टाइगर्स के पास ही है, ऐसा नहीं है अभी 22 गेंदों में 40 रन नहीं है, दबाव हमेशा बल्लेबाज के पास ही रहेगा क्योंकि उन्होंने रन बनाने हैं, गेंदबाज ने नहीं। लेकिन फिर भी जो एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं रुख अपनाता हुआ इस समय। 17वां ओवर चल रहा है, 145 चार विकेट के नुकसान पे भोजपुरी दबंग के पास भी बल्लेबाजी है। यूसुफ का एक महत्वपूर्ण स्पेल, अभी तक 10 रन दिए हैं और ये अच्छी बात है कि हल्की गेंद कर रहे हैं, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे, एंगल से डाल रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हाथ खोलने की जो जगह है जो बल्लेबाज ढूंढ रहा है वो इस समय प्रदान नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक समझ बूझ वाली गेंदबाजी, अच्छी रणनीति यूसुफ द्वारा। यहाँ देखिए गेंद को तेज गति से कर रहे हैं, अदा फ्लाइट नहीं अब दे रहे, जानते हैं कि अब बैट्समैन बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, सोच बहुत बढ़िया है। अभी भी दर्शक बने हुए हैं मुकाबला देखते हुए, अभी भी हमें भी ये नहीं पता कि कौन सी टीम जीतेगी, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला रहा है अभी तक। बार क्या मौका था, 17 ओवर की समाप्ति, 147 पे 4। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक पावर्ड बाय सीसीएल 2020 कुकीज। फेसबुक के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com और ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सभी को इस समय बहुत ज्यादा जरूरत, अलॉन्ग विद द पार्ले 2020 कुकीज, बिकॉज काफी लेट होता जा रहा है, हमारे साथी कमेंटेटर्स अपनी घड़ी की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका डिनर टाइम आगे चलता जा रहा है, बट रोमांच जो मैच में इस समय बना हुआ है उस समय कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। अजय आपको याद होगा जब हम मैच खेलते हैं तो और जो एक सुपरस्टिशन का एक फैक्टर रहता है, जब आपके रन्स बनने लगते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी जगह से मत हिलिए, वहां रोमांच नहीं होता, वहां पे रन्स का एक आंकड़ा होता है कि आप अपनी जगह से मत हिलिए ये रन्स बनने वाले हैं, ऐसा आपको व्यतीत हो रहा है यहाँ पे? अंजुम मुझे लग रहा है जैसे मैं पहले भी कह रहा था बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा है, कांटे का मुकाबला रहा है, वापसी बहुत बढ़िया की है भोजपुरी दबंग्स की टीम ने, मुझे लगता है जब तक ओझा बने हुए हैं ये मुकाबला दबंग्स की टीम जीत सकती है, उनमें क्षमता है। 3-4 ओवर पहले 24 रन आए थे एक ओवर में, तो यहाँ से 36 रन 17 गेंदों में कोई ज़्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रहे, और जो स्ट्राइक कर वो है जिस प्रकार गेंद को स्ट्राइक करते हैं बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, वापस आ चुका है बंगाल टाइगर्स के ऊपर और बिल्कुल साफ झलकता हुआ एक और वाइड, एक्स्ट्रास भी आज काफी दिए हैं।
पर एक चीज की जो हम चर्चा पहले भी कर रहे थे और अभी भी मैं करना चाहूंगा, जो ओवर रेट है इसमें जरूर सुधार करना चाहिए, क्योंकि अब कई बार अब जो कप्तान है फील्ड सेट करने में बहुत वक्त लेते हैं। ओवर रेट अगर आप अभी देखें मात्र 11.5 का, इस बार उठा के खेला है, टाइमिंग सही नहीं और बॉल बॉल बचे ओझा। अगर ये विकेट मिलती बंगाल टाइगर्स को तो मुकाबला उनके पक्ष में जा सकता था। भाग्यशाली रहे ओझा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचते हुए इस सिंगल के साथ। यहां बल्ले पर बॉल नहीं आई, बहुत सारा कोशिश थी, जोर से मारने की कोशिश थी, फॉर्चुनेट रहे कि शॉट रही एटलीस्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास। बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, पहले टाइम कर रहे थे तो शॉट्स अच्छे लग रहे थे। जो एक्साइटमेंट है, जो एंग्जाइटी है वो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज जैसे जैसे मैच और करीबी रुख अपना रहा है और पास जा रहा है खत्म होने के, जो आप बैट पकड़ते हैं सडनली वो बहुत स्टिफ होता जाता है, ग्रिप बहुत हार्ड हो जाता है, बॉटम हैंड स्टार्ट्स गेटिंग डोमिनेटेड। और फिर से एक बार और कोशिश करी, यहां पर जोर से घुमाया बल्ला, गेंद की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। ये अफोर्ड नहीं कर सकती भोजपुरी दबंग्स, एक गेंद वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। और राजा की भी तारीफ करनी होगी जो लाइन रखी, क्योंकि जानते हैं ओझा टारगेट कर रहे हैं मिड विकेट क्षेत्र में, वहां मारना चाहते हैं, तो जो लाइन है ऑस्टम के बाहर रख रहे हैं, अगर यहीं पे रखेंगे तो अब ओझा को रिस्क लेना होगा, ज्यादा जोखिम उठाना होगा। अब ये पैड लाइन पे और यहां पर रन मिलेंगे, ये बढ़िया सोच नहीं, थोड़ी सी दिशा में तब्दीली की और उसमें लाभ मिला ओझा को और 4 रन भी मिलते हुए। अब मात्र 29 रन चाहिए 13 गेंदों में। ज्यादा बढ़िया गेंद करने की कोशिश राजा द्वारा, ऑन द लेग साइड जाते हुए, जानना चाहिए कि जो फाइन लेग का फील्डर है वो अंदर खड़ा है तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास डाउन द लेग साइड गेंद करने की। अगर वो विकेट टू विकेट भी कर देंगे तो भी उनकी टीम और कप्तान के लिए काफी रहेगा। एंड आई एम श्योर जिशु भाई यही कह रहे होंगे कि आप सिर्फ विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखिए, ज्यादा कुछ ट्राई ना करें। पहला रन थे इसे लेते हुए क्या वापस आएंगे? जी नहीं, मात्र 1 रन से संतोष। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 156/4।